हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ में चैप्टर 10 सर्कल। तो फ्रेंड, 10.3 थ्योरम मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज अ बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी सर्कल में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कोई सर्कल है मेरा, सर्कल में ये मेरा कौन है, सेंटर है। इस सेंटर से इस कॉर्ड पर, ये मेरी कॉर्ड दे रखी है मान लो ए बी, इस कॉर्ड पर अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, ये मैं क्या डालता हूँ, कोई परपेंडिकुलर, सेंटर मान लो ये है मेरा ओ और ये मान लो सी है, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ओ सी को ए बी पे, तो प्रूफ करो कि जो ओ सी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, मतलब मेरा ए सी इक्वल है बी सी के, ये बात सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ क्वेश्चन में, गिवन दिया है, ठीक है, अ सर्कल हुज सेंटर ओ, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक है फ्रेंड, और क्या क्वेश्चन में गिवन है, जीवा दे रखी मेरे को, जीवा यानी कि कॉर्ड, कॉर्ड होती है सर्कल के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मेरी जीवा है, क्या दे रखी क्वेश्चन में, ए बी, और बोला गया ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे। अब परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी मेरा 90 डिग्री होगा और इधर ही मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है कि ओ सी बाइसेक्ट ए बी, यानी ओ सी समद्विभाजित करता है किस पे, ए बी, उसी समद्विभाजित करता है ए बी को। इसका मतलब क्या है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर किसकी है, बी सी के, ये बात सिद्ध करनी है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन, यानी कि मैंने क्या की, रचना मैंने किया, जॉइन ए ओ एंड ओ बी, ए ओ एंड ओ बी, ठीक है, ए ओ और ओ बी को मिलाया। ठीक है फ्रेंड, अब मिलाने के बाद जो मेरी सेंटर से खींची जाने वाली कौन होती है, रेडियस, तो ये भी मेरी रेडियस होगी और ये भी मेरी कौन होगी, रेडियस होगी। ठीक है फ्रेंड, अगर किसी सर्कल में सेंटर से हम लाइन खींचेंगे तो मेरी रेडियस होगी और जितनी भी रेडियस होगी सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे पास कुल मिला के दो ट्रायंगल है, एक पहला ट्रायंगल और एक ये दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम ओ सी बी, ये 90 डिग्री है, ये ओ सी ए, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम मेरे को तीन स्टेटमेंट चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट तो मिलेगी 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री के सामने वाली कौन होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दोनों रेडियस है, इस वजह से दोनों क्या होंगी, इक्वल, ये वाली ओ ए इक्वल होगी ओ बी के, क्यों, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, इस वजह से इक्वल होगी। और तीसरा रीज़न, मेरा ओ सी इसमें भी आ रहा है, ओ सी इसमें भी आ रहा है, तो इस रूप से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी, इस वजह से ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी के। ठीक है, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी और बी ओ सी में, ठीक है, तो मैंने लिखा सबसे पहले एंगल ओ सी ए इक्वल एंगल ओ सी बी के, क्यों है, क्योंकि मैंने क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ओ सी परपेंडिकुलर पे था ए बी पे, इसलिए क्या लिखूंगा, एच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है, एक रीज़न मिल गया। दूसरा रीज़न, ए ओ बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक वृत्त की त्रिज्या, इस वजह से इक्वल होगा। और तीसरा रीज़न, ओ सी इसमें भी आ रहा है, ओ सी क्या हो गया, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है फ्रेंड, अब कॉमन तो हो गया, अब पहले आया राइट एंगल यानी कि आर, दूसरी हाइपोटेन्यूज इक्वल हुई यानी कि कर्ण, तीसरी मेरी साइड इक्वल हुई, तो इस रूल से क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी
कॉन्ग्रुएंट ऑर्डर का ट्रायंगल बीओसी के बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्रिटेरियन के थ्रू क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होते हैं इक्वल। इस वजह से एसी, मैं लिख देता हूं ये मेरी साइड एसी इक्वल हो जाएगी बीसी के, और इसमें मैं लिख दूंगा बाय सीपीसीटी। ठीक है फ्रेंड, बाय सीपीसीटी। तो हमारा सिद्ध हो गया कि जो ओसी लाइन है वो एबी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहां लिख देता हूं मैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ओसी बाइसेक्ट एबी, अतः सिद्ध है ओसी समद्विभाजक है एबी का। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ मेरी थ्योरम 10.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने फ्रेंड इस सॉल्यूशन को हिंदी मीडियम में भी किया और इंग्लिश मीडियम में भी किया, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड, मैंने अपने और इससे चैप्टर से रिलेटेड में और वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।